और यहाँ पे माँ सरस्वती की फोटो बनाई गई है, तो ये काफी अच्छी है क्योंकि जो माँ सरस्वती का आशीर्वाद बच्चों पे बना रहे हैं, तो इसलिए ऐसा बनाया गया है। और यहाँ गाइस वेलकम बैक, और आज एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, नई वीडियो में, नई लोकेशंस के साथ। तो आज मैं जाने वाला हूँ अपने गांव के स्कूल में, और वो स्कूल दिखने में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा उस पर काम हुआ है, काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। तो आज उसके बारे में मैं बताऊँगा कि कैसी हमारे गाँव की स्कूल है और क्या यहाँ पर जो पढ़ाई है, कैसी यहाँ की पढ़ाई होती है, तो उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं अभी थपलियाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल नमस्ते गढ़वाल में, गढ़वाल की इन हसीन वादियों से। तो आज मैं स्कूल में जाने वाला हूँ और उस वहाँ के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं स्कूल की। तो गाइस जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है हमारे गाँव स्कूल जाने का रास्ता, और ये रास्ता उतना ज़्यादा पक्का नहीं है, बट खाली पत्थरों का बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं नीचे नदी है, और यहाँ पे स्कूल जो है वो खेतों के बीच में बसी हुई है, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है, तो आप देख ही सकते हो। और यहाँ से सामने का जो व्यू है कुछ इस तरीके से है, और नीचे नदी है, फिर पीछे का व्यू है। और मेरे साथ हैं अतुल चौधरी, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे वो पीछे से आ रहे हैं। तो अभी हम जाने वाले हैं स्कूल में, और ये रास्ता जाता है डिंडिया की ओर, और ये रास्ता जाता है कंचली गाँव की ओर। और आपको यहाँ पे जो एक घास दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले पुराने जो घर थे, और इनकी आप नींव देख सकते हो, ये नींव है यहाँ पे। तो ये घर थे, ये भूकंप की वजह से 1999 में टूट गए थे, और उसके बाद यहाँ पे किसी ने मकान बनाया नहीं है। और आप सामने आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे सकता है, वो अभी भी बचा हुआ है, बट उसके अंदर जो छत होती है वो पूरी टूट चुकी है। और ये है स्कूल का गेट, प्राथमिक विद्यालय कंसली, और ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्कूल है, और ये हम लोगों के खेतों के बीच में बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ लिखा गया है जिसमें बताया गया है स्कूल के कार्य के बारे में, मेरा गांव मेरी मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, कार्य का नाम है चार दीवारी, कार्य प्राइमरी स्कूल कंसली, कार्य की आईडी है वित्तीय वर्ष 2019-20 है, कुल लागत 99,676 रुपये है, और कार्य प्रारंभ की तिथि है 8/8/2019, और कार्य पूर्ण की तिथि है 15/11/2019। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्य को होने में 3 महीने लगे हैं, 3 महीने लगे हुए हैं। और यह है स्कूल का गेट, तो हम यहाँ से एंटर करते हैं स्कूल में। नीचे कुंडी लगी हुई है, यहाँ पे ताला नहीं लगाया जाता है। तो ये हमारे गाँव की स्कूल है, तो आप यहां से देख सकते हो कि कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, और काफ़ी बढ़िया है। और जो दीवार के चारों ओर फूल लगाए गए हैं, तो यहां पे जो स्कूल है वो काफ़ी अच्छी है। तो यहां पे बच्चे काफ़ी दिन से नहीं आए हैं, तो जिस कारण से नीचे घास जम चुकी है, तो इस कारण से यहां पे ऐसा लग रहा है कि मतलब सफाई नहीं है, बट स्कूल काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर लिखा गया है जो बच्चों को ज्ञान देने के लिए काफ़ी अच्छी बातें लिखी गई है, उत्तराखंड का मानचित्र बनाया गया, इसमें 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट दिखाए गए हैं। तो उसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बड़े, और यहाँ पे माँ सरस्वती की फ़ोटो बनाई गई है, तो ये काफ़ी अच्छी है क्योंकि जो माँ सरस्वती का आशीर्वाद बच्चों पर बना रहे हैं, तो इसलिए ऐसा बनाया गया है। और यहाँ पर उत्तराखंड शासन का लोगो बनाया गया है, ताकि कई बार क्या होता है कि प्राइमरी के बच्चों को ऐसी छोटी छोटी जो ज्ञान होता है वो देना आवश्यक होता है, क्योंकि कहीं बच्चों को ऐसा पता ही नहीं रहता है कि जो हमारा उत्तराखंड का लोगो है वो क्या है, और यहाँ पे राज्य पक्षी मोना, राष्ट्रीय राज्य पशु कस्तूरी मृग, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, और राज्य वृक्ष बुरांस है, और ये चीज़ भी यहाँ पर बताई गई है। आप देख सकते हैं इस वाली क्लास में कक्षा 1 और 5 की जो होती है पढ़ाई होती है, और इस कक्षा में 2, 3 और 4 की पढ़ाई होती है। और ये है कार्यालय प्रधानाध्यापक का, और यहाँ आगे पे एक बोर्ड बनाया गया है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, और इसमें थोड़ा कुछ जो अच्छी बातें लिखी गई हैं, समाज को उतना नुकसान दुष्टों से नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है, ये चीज़ें बताई गई। उठो जागो और तब तक चलो जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, और शिक्षा श्रेणी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और कम मेहनत से जीवन गुजरता है अधिक मेहनत से संवरता है, शिक्षित और सभ्य हो देश हमारा, ज्ञान के प्रकाश से मिट जाए अंधियारा। तो काफ़ी अच्छी बातें लिखी गई हैं, और उसके अलावा यहाँ पे क्वारंटीन के बारे में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ से जो मेरा गांव है वो थोड़ा दूर है, तो और कंसली गाँव भी आगे है तो काफ़ी दूर है, तो इसलिए यहाँ पर क्वारंटीन किया गया था, ये अकेली जगह पर है। और आप देख सकते हैं भूकंप की वजह से जो ये पूरा
मकान था वो टूट गया था और अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर बचा हुआ है। तो यहाँ से जो कुछ व्यू है वो कुछ इस तरीके से है। और क्वारंटीन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे क्वारंटीन के दिशा निर्देश दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे क्वारंटीन किए गए थे। और काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे किए गए थे क्योंकि यहाँ पे गांव थोड़ा दूर है और उसके अलावा बच्चे भी थोड़ा दूर रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्वारंटीन किया गया था। तो आज मैंने आपको अपने स्कूल के बारे में बताया और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो काफ़ी कम ही हैं, ज़्यादा नहीं है क्योंकि गाँव छोटा है, बट बच्चे भी कम ही हैं और आसपास के जो बच्चे जाते हैं वो दूसरे स्कूलों में चले जाते हैं, तो इसलिए बच्चे कम है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्कूल कैसी लगी, ये विद्यालय कैसा लगा, और इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आपने आज विद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे गांव का जो विद्यालय है वो कैसा है और कैसा दिखाई देता है और किस लोकेशन पे है, तो आप मुझको ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये विद्यालय कैसा लगा। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना, और मुझे बताना कि आपका जो 2021 है वो कैसा जा रहा है। तो तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा और मिलता रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया वीडियो के साथ, एक बेहतरीन लोकेशन के साथ। तो तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय दोस्तों।